अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुतियल हसन और आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। तालका सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हुकूमत सिंध की जानब से रिस्क अलाउंस बंद करने के खिलाफ OPD का बायकाट और एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद तफसील जानते हैं उबैदुल्ला खान से। जी, इस वक्त में मौजूद हूँ तालका अस्पताल खिबरों में, जहाँ पर सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बायकाट किया गया। GHA की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, स्टाफ, हेल्थ वर्कर की जानिब से रिस्क अलाउंस बंद करने के खिलाफ OPD का बायकाट किया गया। जब तक सिंध हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करें और रिस्क अलाउंस बहाल करे, जब तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज की क्यादत डॉक्टर शेरिया कायम खानी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, लेडी डॉक्टर, डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर सिद्रा कर रहे थे, जबकि दीगर पैरामेडिकल स्टाफ ने भी OPD का बायकाट किया गया। और MTV से बात करते हुए बताया कि एहतजाज हमारा GHA की तरफ से एहतजाज कॉल की गई है, जो कि हमारे कोविड अलाउंस की कटौती, जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है उसकी कटौती, तनख्वाहों की कटौती, जो हमारे भाई लोग, जो हमारे पैरामेडिक, जो हमारे डॉक्टर हजरात जो कराची के अंदर हैं, धरने में बैठे हैं, उनके साथ हमारा भरपूर तआवुन है। इंशाल्लाह ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता है। अब तक किसी से आपने रब्ता किया है? उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं सेक्रेटरी हेल्थ से रब्ता करने की, हेल्थ मिनिस्टर से रब्ता करने की, लेकिन अब तक अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कामयाब नहीं गई है कोशिश। वो आज हमारा लाइला अमल यही है कि आज CM हाउस की तरफ बात करेंगे और CM हाउस में दरवा देंगे। तकरीबन 20 से 22 दिन हो गए OPD का जो ब्लॉक चल रहा है, बायकॉट चल रहा है सिंध में, तो हमने तो यहाँ पर 3 दिन ही हुए OPD का बायकॉट किया है। हमारा असल मकसद यही है कि हमारा जो कोविड रिसर्वेंस जो है हमारा बंद किया गया है, वो बिल्कुल बहाल किया जाए पूरी तौर पे, और हमारा जो भी हेल्थ वर्कर पैरामेडिकल स्टाफ है उसको जो रिलीफ दिया जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से या MNS की तरफ से कोई लाया अमल है या उनका कोई रब्ता किया अब तक? नहीं, गवर्नमेंट और MNS की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है अभी तक। और आज भी जो है जुमे नमाज के बाद प्रेस क्लब पर धरना होगा कराची में, उसके बाद देखें क्या होता है। तो जो इमरजेंसी की पेशेंट में मरीजों कैसे देखा जा रहा है? नहीं, इमरजेंसी तो हमारी जो 24 आवर खुली हुई है, सिर्फ OPD का बायकॉट है यहाँ पर।